बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या है, इसका यूजेज क्या है, किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम XML stand for extensible markup language. ये web development के लिए use की जाती है, web designing के लिए use की जाती है। HTML, CSS के tags इसके साथ integrate करके चलाई जाती हैं। A markup language is used to provide information about a document. जो extensible markup language है, ये information provide करती है relating to documents. Tags are added to the document to provide the extra information. टैग्स को जो है वो इसके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है इसके साथ अटैच किया जाता है, लगाया जाता है और इससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। फॉर एग्जांपल, एंकर का टैग लगाया जाता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हुए, हेड का टैग लगाया जाता है, स्टाइल का टैग लगाया जाता है, HTML का टैग लगाया जाता है। ये सारे टैग्स जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। HTML टैग्स अ ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। ब्राउजर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। HTML टैग्स के साथ साथ जो है वो ब्राउजर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज़ का टैग को इंप्लीमेंट करते हैं, हेड का टैग लगाते हैं, तो हेड का टैग आपको ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। जैसे आप उसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कराता है। HTML के कॉन्टेंट्स जो भी आपने डिफाइन किए होते हैं उनको वो ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो काम होता है ये HTML के टैग से होता है। ठीक है, HTML के टैग साथ XML के साथ इंटीग्रेट होके ये चलते हैं और उसको कंपाइल करते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको HTML के टैग को इंटीग्रेट करके इसको कंपाइल करके चला के दिखाया कि किस तरीके से आप HTML के टैग्स को इंटीग्रेट करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं और उसको अपने मतलब यूजेज में लेके आते हैं। ठीक हो गया, अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ HTML के टैग्स की इंटीग्रेशन भी करेंगे। अ मेटा लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू क्रिएट एंड फॉर्मेट योर ओन डॉक्यूमेंट मार्कअप। मेटा लैंग्वेज जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मार्कअप को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अ मेथड फॉर पुटिंग स्ट्रक्चर डाटा इन टू अ टेक्स्ट फाइल। दीज फाइल्स आर इजी टू रीड एंड एम्बिग्यूस एक्सटेंसिबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। HTML के टैग्स जितने भी होते हैं, ठीक है, ये इजी टू रीड, आप इजी तरीके से इनको रीड कर सकते हैं। अनएम्बिगुअस होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं, इनमें मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होती। टैग्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, हर टैग का क्या पर्पस होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है। टैग ओपन होते हैं, टैग का क्लोजिंग टैग होता है, हर टैग जो है वो क्लियरली डिफाइंड होता है कि उसका पर्पस क्या है, वो काम क्या कर रहा है। एक्सटेंसिबल होते हैं ये टैग्स, मतलब आप मल्टीपल जगहों के ऊपर, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर इन टैग्स को आप यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। आप इसको सबलाइन के ऊपर भी टैग्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सोर्स कोड में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जाके टैग्स को आप PHP में भी यूज कर सकते हैं, .NET में भी आप सब सोर्स कोड में इनको इंप्लीमेंट करते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, XML डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओपन ओवर द इंटरनेट। जो XML डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये ट्रांसफर करते हैं डाटा को, HTML डाटा को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर द इंटरनेट। आप किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं HTML के टैग्स लगा के, तो आपका बेसिक काम तो यही होता है कि आपने वो जो वेबसाइट बना रहे हैं उसको पहले लोकल के ऊपर बनाते हैं, लोकल पे बनाने के बाद उसको अपलोड कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, इंटरनेट पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये डाटा ट्रांसफर हो रही होती है, आपको इसके लिए डिफरेंट मतलब डोमेन्स लेनी पड़ती है। डोमेन्स लेने के बाद आप अपने डाटा को लाइव करते हैं, लाइव करने के बाद आप उसको व्यू कर सकते हैं, उसके प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद डिफरेंट बिटवीन HTML एंड XML। HTML क्या होता है और XML में इनमें फर्क क्या है, इसको हम देखते हैं। HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टैग्स हैव अ फिक्स्ड मीनिंग एंड ब्राउजर्स नो व्हाट इट इज। जो HTML टैग है उसकी फिक्स्ड मीनिंग होते हैं कि यार जो भी ये टैग्स इंप्लीमेंट मतलब इन टैग्स का मतलब है उसका फिक्स्ड मीनिंग होता है कि आपने ये पर्पस के लिए यूज करें और जस्ट इनका मकसद यही है। XML tag are different for different application and users know what they mean. जो developer होता है उसको XML tags का पता होता है कि किस application में किस तरह से XML tag को integrate करना है। Even XML और HTML के tags मिलते हैं आपस में, एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें जो है इसके अंदर कुछ extensible आ जाती है, extensible markup language है
XML कुछ एक्स्ट्रा टैग्स यूज किए जाते हैं। अभी जो डेवलपर होता है जिसने XML के ऊपर काम किया होता है उसको पता होता है कि इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे किस किस एप्लीकेशन में किस तरीके से करना है। HTML टैग्स आर यूज फॉर डिस्प्ले, HTML टैग्स जो होते हैं वो डिस्प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और XML टैग्स आर यूज टू डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा, और जो XML टैग्स होते हैं ये डॉक्यूमेंट और डाटा को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो XML टैग्स को जो हम डॉक्यूमेंट्स और डाटा को डिफाइन करते हैं, और HTML जो है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो XML जो है वो एक्सटेंसिबल है, इसके ज्यादा एडवांटेजेस है, डिफरेंट एप्लीकेशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, एडवांस लेवल के ऊपर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी लेटेस्ट एप्लीकेशन है उसमें आप XML को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद क्विक कंपैरिजन, HTML XML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड रिजिड। HTML के जो टैग्स होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं और रिजिड होते हैं, उनका एक बेसिक मकसद होता है, उन्हें उसी को फॉलो करते हुए मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट्स को डिफाइन करना है। इसके बाद XML अलाउ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट ईच टैग एंड एट्रीब्यूट मीन। XML में हर ईच टैग और उसके एट्रीब्यूट्स के मीनिंग को डिफाइन किया जाता है। कंटेंट्स एंड फॉर्मेटिंग कैन बी प्लेस्ड टुगेदर, HTML में कंटेंट्स और जो फॉर्मेटिंग होती है उनको एक साथ प्लेस कर सकते हैं, एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और XML में कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स आर सेपरेट, कंटेंट्स और फॉर्मेट जो होते हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। फॉर्मेटिंग इज कंटेन इन अ स्टाइल शीट, स्टाइल शीट फॉर एग्जांपल CSS में आप स्टाइल शीट यूज करते हैं, स्टाइल शीट के तौर पर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे HTML का टैग दिया हुआ है, पैराग्राफ का टैग है, फॉन्ट है, उसके बाद उसकी टाइप दी हुई एरियल टेक्स्ट है, फॉन्ट का टैग क्लोज किया हुआ। डिजाइन टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, थस मोर इफेक्टिव फॉर मशीन ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। HTML के टैग्स ह्यूमन इंटरेक्शन बेसिकली HTML डिजाइन ही इसलिए किया गया कि वो मतलब उसके अंदर टैग्स लगाए जाए और मतलब यूजर इंटरफेस बेस्ट से बेस्ट कराया जाए, यूजर इंटरफेस इतना अच्छा हो कि जो भी यूजर उसको देखे उसको आइडिया हो कि इसके ऊपर कंटेंट्स के ऊपर एक प्रॉपर वे में काम किया गया है। आज से पहले जितनी वेबसाइट्स बनती थी वो HTML टैग्स को फॉलो करते हुए बनती थी, लेकिन XML के ऊपर जितना डिजाइनिंग हो रही है, लॉजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है, तो ये कुछ एडवांस लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। डिजाइन टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको हम XML के ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं। थस मोर इफेक्टिव फॉर मशीन इंटरेक्शन, ये मशीन लर्निंग में मशीन इंटरेक्शन में ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, XML इज टेक्स्ट यूनिकोड बेस्ड, जो XML है ये यूनिकोड है, सिंगल कोड है, यूनिकोड है, टेक अप लेस स्पेस, ये इसका जो स्पेस कंज्यूमिंग है वो लेस है, कैन बी ट्रांसमिटेड इफेक्टिवली, ये डाटा ट्रांसफर करती है इफेक्टिवली। वन XML डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडिया, HTML, वीडियो, CD, DVD, डिफरेंट मीडियाज के ऊपर XML डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट जो है वो डिफरेंट मीडियाज के अंदर डिफरेंट XML जो है वो डिस्प्ले करते हैं, जैसे HTML के ऊपर, वीडियोज के ऊपर, DVDs के ऊपर, डिफरेंट ये सिनेरियोस के ऊपर अपनी जो फंक्शनलिटीज डिफाइन करते हैं। यू ओनली हैव टू चेंज द XML डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू चेंज ऑल द रेस्ट, जस्ट आपने XML डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है इन सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए। XML डॉक्यूमेंट्स कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, पार्ट कैन बी रीयूज्ड, मतलब XML डॉक्यूमेंट्स को आप रीयूज कर सकते हैं, इनको मॉड्यूलराइज कर सकते हैं, इनको अपडेट कर सकते हैं, इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ट्रूली पोर्टेबल डाटा, इजीली रीडेबल बाय ह्यूमन यूजर्स, वेरी एक्सप्रेसिव सिमेंटिक्स नियर डाटा, वेरी फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेबल, नो फाइनाइट टैग सेट, इजी टू यूज फॉर प्रोग्राम्स, लिब्स अवेलेबल, लाइब्रेरीज फॉर एग्जाम्पल, easy to convert into other representations, XML transformation languages, many additional standards and tools, widely used and supported. So, jo XML hai, ye zyada effective hai, portable hai, easily adjustable hai, aap flexible data iske andar transfer kar sakte hain, theek hai, videos ko integrate kar sakte hain iske andar, वीडियोस को, इमेजेस को HTML में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी एज कंपेयर टू XML कम है।
XML के अंदर जितनी भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी HTML से एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल है, इसलिए इसको एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर जितना भी वर्कआउट हो रहा है वो XML को फॉलो करते हुए, XML की फाइल्स को इंटीग्रेट करते हुए, XML की फाइल्स के अंदर जितने भी आप फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा पोर्टेबल है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हम चलते हैं HTML। एग्जाम्पल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे हेड का टैग लगाया हुआ है, टाइटल लगाया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज H1, सम इंफॉर्मेशन गोज हियर, H1 H2 हेडिंग है, आपको पता है ये बॉडी का टैग लगाया और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग लगाया। बॉडी के ओपनिंग टैग के बाद बॉडी का क्लोजिंग टैग होता है, हर टैग जिसका ओपनिंग होता है उसका क्लोजिंग टैग होता है, इस चीज का आप लोगों को पता है कि हर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक हो गया, उसके बाद है XML। XML डॉक्यूमेंट में सबसे आप क्वेश्चन मार्क XML वर्जन 1.4 डिफाइन करते हैं, ये XML का वर्जन डिफाइन किया है जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, इज इट क्लियर। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस का ओपनिंग टैग है, एड्रेस का क्लोजिंग टैग है, एड्रेस के ओपनिंग टैग में नेम और नेम का क्लोजिंग टैग, ईमेल, ईमेल का क्लोजिंग टैग, फोन एंड फोन का क्लोजिंग टैग, बर्थडे और बर्थडे का क्लोजिंग टैग, हर तरह की इंफॉर्मेशन इसमें लिख रहे हैं हम। जैसे नेम का टैग लिखा है, नेम मतलब किसी पर्सन के नेम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ईमेल किसी ईमेल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, फोन फोन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, बर्थडे बर्थडे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इस तरह से हम HTML के अंदर इंटीग्रेशन नहीं करते। द एक्चुअल बेनिफिट फॉर यूजिंग XML हाईली डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन ऑफ द एप्लीकेशन। XML जो है वो हाईली डिपेंड करता है डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, कि आपकी एप्लीकेशन का डिजाइन कैसा है, किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से उसको मॉडरेट करना है और उसको कंपाइल करना है। तो XML जो है ये मच इफेक्टिव, मच बेटर है एज कंपेयर टू HTML। ठीक हो गया, आगे चलते हैं XML 2 HTML XML 2 WML XML 2 PDF। देखिए XML 2 HTML ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, XML 2 WML ये डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेशन है, XML 2 PDF PDF फाइल के साथ। हमारे HTML और XML का काम क्या होता है कि इंटीग्रेशन करना वेब पेजेस को, वेब डिजाइंस को और कस्टमर को यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, इजी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, इफेक्टिव यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, कि कस्टमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको कैसे फुलफिल करना है, इसको हम कंसीडर करते हैं और उसको लेके चलते हैं। इज इट क्लियर, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा जी, इसमें वो बता रहा है डेटाबेस विद XML डॉक्यूमेंट्स। अब XML के साथ आप डेटाबेस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे XML डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने डेटाबेस को इंटीग्रेट किया और डेटाबेस के साथ XML 2 HTML, XML 2 WML, XML 2 PDF को इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक हो गया, एंड देन नेक्स्ट XML अडॉप्टर, BME कैट, EB XML, सेटअप, नेट, स्टैक, स्टॉक, XML अडॉप्टर, लेगेसी सिस्टम, ये रिक्वायरमेंट्स है जिनको आप फुलफिल करते हुए, मतलब बायर सप्लायर XML की किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए, किन किन टूल्स को, टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आप XML अडॉप्टर्स को अचीव कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेगेसी सिस्टम SAP एक बहुत कॉस्टली सिस्टम है एज कम्पेयर टू XML, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है एफिशिएंसी, इसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू XML रिलायबल नहीं है, ठीक है, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये XML की कुछ फाइलें दी हैं फॉर XML मेटाडेटा। मेटाडेटा क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले डेटा के ऊपर काम हो रहा था, काम हो रहा है मेटाडेटा। मेटाडेटा होता है एक लार्ज स्केल के ऊपर, एक बिग स्केल के ऊपर आप डेटा पे काम करें तो उसको मेटाडेटा कहते हैं। डेटाबेस डेटा के ऊपर काम करते हैं, स्मॉल डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं। मेटाडेटा तो जितने भी सॉफ्टवेयर और एडवांस लेवल के ऊपर है वो सब मेटाडेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, XML के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी स्टूडेंट्स, अगर अपने आप को फ्यूचर में सर्वाइव करना है, मतलब एक अप्रोच के ऊपर लेके जाना है, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, देन ही आप सर्वाइव कर सकते हैं आगे, मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेज में, इंडस्ट्रीज में। डॉक्यूमेंट मार्कअप, डॉक्यूमेंट मार्कअप दिए में कुछ
आर्टिकल का टैग है, सेक्शन का टैग है, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट डिफाइन किए गए, इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स का टैग है। तो ये सारे के सारे टैग्स के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट मार्कअप है, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन डिफाइन की गई हुई है, ये सेक्शन का ओपनिंग टैग है, इसके अंदर आईडी दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, ये नेम का टैग है, ये सिटी का टैग है, उसके बाद ये थ्योरम का टैग है, ठीक है, ये सेक्शन है, लिटरेचर का टैग है, ये आर्टिकल का टैग है। ये आर्टिकल के टैग के अंदर क्या क्या आएगा, सेक्शन आएगा, सेक्शन के बाद क्या लिटरेचर आएगा, लिटरेचर के साथ साथ क्या थ्योरम्स आएंगे, और उसके बाद ऑथर्स वगैरह आएंगे, ये सारी इंटीग्रेशन उसने इस टैग्स के अंदर डिफाइन की हुई है। डॉक्यूमेंट मार्कअप एड स्ट्रक्चर एंड सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन टू डॉक्यूमेंट, सेक्शन है, सब सेक्शन है, थ्योरम्स है, क्रॉस रेफरेंसेस है, लिटरेचर है, सिटेशन है, उसके बाद इंडेक्स एंट्रीज है, नेम एंटिटीज है, एंटिटीज किसी पर्सन प्लेस टीम को कहते हैं, डीबीएमएस के अंदर आपको पता है। तो मेटा डेटा में जब भी आप जाते हैं तो इस चीजों को डिस्कस करते हैं। दिस अलाउ क्यूरीज लाइक व्हिच आर्टिकल साइट विलियम एग्जाम्पल पेपर, फॉर एग्जाम्पल ये विलियम एग्जाम्पल पेपर है जिसके अंदर उसने अपने पेपर्स को इंट्रोडक्शन दिया हुआ एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो आप डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, एग्जाम्पल सिनेरियोस को देख सकते हैं कि XML की लैंग्वेज कहाँ यूज होती है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर भी XML यूज होता है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन के अंदर भी XML यूज होता है, ठीक है, वेबसाइट्स के अंदर भी जितने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स है, क्राइटेरिया है, सारों के अंदर भी XML फाइल्स यूज होती है, ठीक है, XML फाइल्स लेटेस्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। XML डॉक्यूमेंट्स, XML में एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्लस सम अदर डिटेल्स होती हैं। XML के अंदर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्स आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, प्लस सम अदर डिटेल्स आ जाती हैं। इसको हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। आर्टिकल है, ऑथर है, टाइटल है, टेक्स्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, सेक्शन है, फिर सेक्शन का क्लोजिंग टैग है, टेक्स्ट है, आर्टिकल है, हर टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। आर्टिकल के अंदर ऑथर्स आ जाते हैं, ऑथर के बाद टाइटल आ जाता है, उसके बाद उसमें टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, उसके बाद सेक्शन आ जाता है, सेक्शन के बाद फिर टेक्स्ट का क्लोजिंग टैग है, और उसके बाद आर्टिकल का क्लोजिंग टैग है। तो हर चीज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। तो वो बता रहा है फ्रीली डिफाइनेबल टैग्स, ये फ्रीली डिफाइनेबल टैग्स हैं कि जिसको आप मतलब ऑथर्स के आर्टिकल के अंदर, ऑथर्स के अंदर और एब्स्ट्रक्शन के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये टैक्स का टैग, स्टार्ट टैग, स्टार्ट टैग ये टैक्स है, इस तरह डिफाइन किया हुआ है, इसी तरह ये एंड टैग डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर ये क्या चीज है, एलिमेंट्स है, ये क्या चीज है, एलिमेंट्स है, कंटेंट ऑफ द एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स एंड और टेक्स्ट। तो इसके अंदर सिंपल एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बता रहा है कि टैग्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये उसने आपको यहाँ पे डिफाइन किया। ये टैग है, ये उसके एलिमेंट्स है, उसके सब एलिमेंट्स है। एट्रीब्यूट विद नेम एंड वैल्यू, यहाँ पे ये जो है एक टैग के अंदर नेम नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके इंट्रोडक्शन टाइटल दिया हुआ, ये नेम है और उसकी क्या है, ये नेम है और उसका क्या है, वैल्यू है। सेक्शन का ये नेम है और ये इसका टैग का वैल्यू है। इसी तरह ये टैग दिया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल आर्टिकल का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, आर्टिकल का ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। एलिमेंट हैव अ नेम आर्टिकल एंड अ कंटेंट, एलिमेंट मे बी नेस्टेड, एलिमेंट मे बी एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, एलिमेंट कंटेन इज टिपिकली पर्स्ट कैरेक्टर डाटा, स्ट्रिंग विद स्पेशल कैरेक्टर और नेस्टेड एलिमेंट मिक्स कंटेंट इन बोथ। वो कह रहे हैं एलिमेंट्स एम्प्टी भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स के अंदर डाटा भी हो सकता है। ईच XML डॉक्यूमेंट हैज एग्जैक्टली वन रूट एलिमेंट एंड फॉर्म अ ट्री, हर XML डॉक्यूमेंट का, हर XML डॉक्यूमेंट का एक रूट एलिमेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद एक ट्री जनरेट होती है। एलिमेंट विद अ कॉमन पेरेंट्स आर ऑर्डर, एलिमेंट जिनके कॉमन पेरेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में आ रहे होते हैं, एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, इज इट क्लियर। उसके बाद ये एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स और उसके ये एलिमेंट है और ये उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट, ओनली वन एट्रीब्यूट विद अ गिवन नेम पर एलिमेंट, बट एन एट्रीब्यूट नंबर ऑफ सब एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट जो है वो सब एलिमेंट्स होते हैं, इसके सब एलिमेंट्स जनरेट होते हैं। एट्रीब्यूट हैव नो स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रिंग, व्हाइल एलिमेंट्स कैन हैव सब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के फर्दर सब एलिमेंट्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं। As a rule of thumb, content into element, metadata into attributes. Contents आप define कर सकते हैं किसी elements के और metadata into attributes. For example, ये example दी हुई है, person है, person है, उसके ये element है person, उसके बाद born attribute, इसके died,
ये क्या चाहिए, उसके एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है आर्टिकल है, ऑथर है, टाइटल है, टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट है, सेक्शन है, ये सब डिवीजन की हुई है एलिमेंट्स को, उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि इसकी ट्री कैसे जनरेट होगी। इसके बाद सेक्शन है, सेक्शन के एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं, ये एलिमेंट है इसके एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये एलिमेंट्स है इसके एट्रीब्यूट है, ये एलिमेंट्स है ये इसके एट्रीब्यूट है, हर एलिमेंट के फर्दर एट्रीब्यूट होते हैं और एक ट्री स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। वेल फॉर्म्ड एग्जामिनल डॉक्यूमेंट, अ वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट मस्ट अदर टू अमंग अदर द फॉलोइंग रूल्स, एवरी स्टार्ट टैग हैव अ मैचिंग एंड टैग, हर टैग का स्टार्टिंग टैग और उसका मैचिंग एंड टैग, एलिमेंट मे नेस्ट बट मोस्ट नॉट ओवरलैप, एलिमेंट नेस्टेड हो और ओवरलैप ना हो, दिस मस्ट बी एक्जेक्टली वन रूट एलिमेंट, हर चीज का एक रूट एलिमेंट हो, हर एलिमेंट का रूट एलिमेंट हो, एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड, एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो कोटेड कोटेशन में हो, an element may not have two attributes with the same name, elements ka jo hai wo two elements aise na ho jinka same name ho, theek hai, ek attribute aur ek element with a unique name define kiya jaye, commands and processing instruction may not appear inside tag, commands aur jo processing instruction hogi wo inside tag ke andar aapne define nahi karni, appear nahi karni, no an escape or sign may occur inside character data, data ke andar no unspace and escaped, no escaped ho, or sign may occur inside character data ke andar sign use na kiya jaye, ambiguity create karta hai, only well formed document can be processed by xml parsers, well formed document jo hoti hai wo xml usko proceed karta chalata hai, sometimes xml is too flexible, document type definition, xml is bahut flexible hai, matlab platform hai, iske upar aap xml ke upar जब भी टैग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लेक्सिबल और इजी टू डिफाइन होते हैं और इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं और ब्राउज करते हैं, मोस्ट प्रोग्राम कैन ओनली प्रोसेस अ सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सएमएल एप्लीकेशन फॉर एक्सचेंजिंग डाटा, द फॉर्मेट एलिमेंट एट्रीब्यूट एंड देयर सेमांटिक्स मस्ट बी फिक्स, इनके सेमांटिक्स इनके एट्रीब्यूट फिक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डेफिनेशन डीटीडी फॉर एस्टैब्लिशिंग द वोकैबुलरी फॉर वन एक्सएमएल एप्लीकेशन इन सम सेंस comparable to schemas in database, कि किसी भी document type declaration में XML को vocabulary define करने के लिए आपको उसका एक schema design करता है, उसका schema define करना पड़ता है database में, our document is a valid with respect to our DTD if it confirmed to use the rules specified in DTD, most XML parsers can be configured to validate, mostly XML document जो होते हैं वो configure होते हैं और उसको validate किया जाता है, ठीक है। ये देखेंगे elements define किए गए हैं, ये attributes define किए गए हैं, ये सारे elements, content of the title element is part character data, content of the text element may contain zero or more section elements in this position, content of the article elements in a title element followed by one or more author elements followed by a text element, ये सारी चीजें उसके elements के अंदर उसके documents के अंदर यूज किए गए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ते देखते हैं क्या चल रहा है। सेम एलिमेंट डिक्लेरेशन इन डीटीडीज, एलिमेंट्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर एलिमेंट्स की डिक्लेरेशन का डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन एलिमेंट नेम, उसके बाद ये एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट टाइप, एट्रीब्यूट डिफॉल्ट, ये आर्टिस्ट है, ठीक है, उसका सेक्शन बनाया है, एलिमेंट नेम है, उसका नंबर है एलिमेंट एट्रीब्यूट नहीं है सॉरी, उसका सी डेटा है, उसका एट्रीब्यूट टाइप है, उसकी रिक्वायर्ड है, एट्रीब्यूट डिफॉल्ट है, ये डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेयर करने का तरीका है। एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन इन डीटीडीज, एट्रीब्यूट्स आर डिक्लेयर्ड पर एलिमेंट, इसी तरह ये एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए गए हैं, रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड इन ईच एलिमेंट, इंस्टेंस इंप्लाइड इज ऑप्टिमल, फिक्स डिफॉल्ट ऑलवेज हैव दिस डिफॉल्ट वैल्यू, this default value of the article is omitted from the element instance, theek hai, ye default values define ki gayi hai, same in the scenario attribute types in DTDs, ye sare attribute types diye hue hain DTDs se document type definition ke andar, theek hai, ye bhi attribute examples hai, theek hai, ye document type definition ke andar attribute examples define ki gayi hai, theek hai, ye उसको हाईलाइट किया हुआ है कि एट्रीब्यूट टाइप्स है, ये भी एट्रीब्यूट टाइप है और ये एट्रीब्यूट नेम, उसकी एट्रीब्यूट टाइप, उसकी एट्रीब्यूट एग्जांपल्स वगैरह दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे डॉक टाइप कीवर्ड है,
उसका आर्टिकल रूट एलिमेंट है, उसका सिस्टम भी है, सिस्टम जो है ये कीवर्ड है, उसके बाद यूआरएल फॉर द डीटीडी, ये यूआरएल फॉर द डीटीडी है। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन इन द टेक्स्ट इन द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये कीवर्ड है, सिस्टम भी कीवर्ड है, ये आर्टिकल रूट एलिमेंट है और ये उसका यूआरएल डिफाइन किया हुआ है। सेम इन द सिनेरियो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट ये भी डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। फ्लॉप डीटीडी नो स्कोर फॉर बेसिक डाटा टाइप लाइक इंटीजर्स डबल डाटा टाइप्स, डीटीडी जो है डबल इंटीजर डाटा टाइप स्टोर नहीं करता। नो स्ट्रक्चर सेल्फ डेफिनेबल डाटा टाइप्स, नो डाटा डेरिवेशंस, आईडी आईडी रीफिलिंग्स आर कोर्स यूज टारगेट्स इन नो स्पेसिफाइड एक्सएमएल स्कीमास। ये एक्सएमएल स्कीमास इसका है, बेसिकली स्कीमा होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी डेफिनेशन का डिफाइन करने का मेथड उसका तरीका कार्ड। तो आज का बेटा जी आपका टॉपिक ये था, ठीक है, एक्सएमएल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक डिक्लेरेशन से रिलेटेड ये वेब डिजाइन डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।